अगर आप जानना चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे करते हैं ऑनलाइन, तो मैं आपको बताता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इकबाल अंसारी और आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन ठीक कैसे करते हैं। आप चाहे 10 बार भी वोटर कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई क्यों ना ही करें, ये गारंटी नहीं है कि आपका वोटर आईडी कार्ड सही हो के आ जाए। कुछ ना कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ गलत हो ही जाता है और ये एक माना हुआ चीज़ है। ये परसेंटेज लोगों का गलत होता ही होता है। मैंने एक बार करेक्शन करवाया दूसरी चीज़, तो तीसरी चीज़ गलत करके वो लोग भेज दिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन अपने डिटेल्स को वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। उसके लिए हमें गूगल में टाइप करना है NVSP। जैसे ही हम गूगल में टाइप करेंगे, हमारे सामने एक वेबसाइट आएगा www.nvsp.in। हम इस पर क्लिक करते हैं। NVSP का मतलब होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रल रोल। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। जैसे ही नया पेज ओपन होता है तो ये देखिए 8 नंबर पे, जो 28 नंबर फॉर्म है, लेकिन हमें ऊपर वाले पे क्लिक करना है। चलिए ऊपर वाले फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, 8 नंबर का जो फॉर्म है, जो करेक्शन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमसे हमारा स्टेट मांग रहा है, तो चलिए अपना स्टेट देते हैं हम। मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है और पार्लियामेंट में कोलकाता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमसे हमारा नाम मांग रहे हैं, जो मेरा नाम है MD इकबाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देना जरूरी नहीं है आपको, ओरिजिनल रीजन जिसमें सिर्फ स्टार मार्क्स है वही दीजिए। आपका सरनेम क्या है वो दीजिए। यहाँ पे लिए दे देता हूँ अपना सरनेम और यहाँ पे पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रल रोल के बाद यहाँ पे नंबर इन द पार्ट वो दीजिए जो कि आपका वोटर आईडी कार्ड में होगा 4 अंकों का। और ये देखिए जेंडर अपना सिलेक्ट कीजिए। जो भी आप अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दीजिए वो बिल्कुल सही दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी को कितना साल हो रहा है, 2016 को कितना साल हो रहे हैं आपका एज, ये दीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद में आपका फादर का नाम, उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन दीजिए। अब देखिए आपका यहाँ पे घर का एड्रेस, स्ट्रीट कौन सा एरिया है, मतलब गली कौन सा है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड और थाना, तहसील हो या तालुका हो आपका, या आप सिटी में रहते हैं तो हो सकता है थाना हो, और डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा है आपका वो दें। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर मांग रहा है, आप वो इसमें दीजिए। हालांकि ये देना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है, तो जिसमें स्टार का मार्क रहेगा देख सकते हैं वही देना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे आपको योर फोटो बोल के और नीचे चूज फाइल दे रहा है, तो आपको अपना एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, पहचान प्रमाण, आइडेंटिटी प्रूफ, आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं जो कि आपका पहले का है, और एड्रेस प्रूफ, आप कोई और डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं या फिर उसी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दीजिए। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं चेक लगाने को बोल रहा है, मेरा नाम, उसके सामने बॉक्स है पता, उसके सामने बॉक्स है एज, उसके सामने बॉक्स है। अगर आप किस चीज़ के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड को चेंज करवाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एज देता हूँ क्योंकि मेरा एज में उन्होंने गलती कर दिया डेट ऑफ बर्थ में, तो आयु पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपके नाम में गलत है, फादर नेम में, एड्रेस में गलती है, तो आप इन सभी पे चेक लगाकर इसको ठीक करवा सकते हैं। अब यहाँ देखिए
नीचे आइए, स्टार मार्क लिखा हुआ स्थान, प्लेस, इसका ये मतलब होता है कि आप अभी, अगर कोई आपका सिटी है तो उसका नाम दीजिए, तारीख, आज का तारीख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए कि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए ज़रूरत पड़ने पर, अपना ईमेल आईडी दीजिए कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इस पे भेज दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप गलती से भी कुछ उल्टा पुल्टा ना भेजें। और यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये बिल्कुल सिंपल एक तरीका है ऑनलाइन फॉर्म अपना ठीक करवाने, अपना वोटर आईडी कार्ड को ठीक करवाने का। आप बहुत आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड को इस तरीके से सबमिट करके, फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन इसको बनवा सकते हैं। और चंद हफ्तों के अंदर, 1-3 हफ्ते के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके हाथ में मिल जाएगा, वो लोग वहां से भेज देंगे आपके वोटर आईडी कार्ड रेडी करने के बाद में। तो इस तरीके से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ये जो छोटी सी जानकारी है उनको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।